सी क्या मजबूरी थी? पापा ने पढ़ाई के लिए डांटा था, इसलिए मैं गुस्से में घर से चली गई थी। तो आपके पास फोन था, फोन से आपने कांटेक्ट नहीं किया अपने पेरेंट्स से? नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं फोन लेके नहीं गई थी। पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था? एक लड़की जिसके मम्मी पापा ने उसे डांट दिया था और वो घर छोड़कर भाग गई थी, उस लड़की का नाम है बिंदास काव्या। बिंदास काव्या को आज आप लोग सब लोग जानते होंगे क्योंकि वो एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और स्टार है। इनके यूट्यूब पर दो चैनल हैं, इनका एक ब्लॉगिंग का चैनल है और एक गेमिंग का चैनल है, जहां पर इनके एक चैनल पर 4.43 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और एक चैनल पर 1.65 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पर भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जहाँ पर इनके 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं। तो आप इनके फॉलोवर्स देखकर जान ही गए होंगे कि ये कितनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं। लेकिन क्या सच में पढ़ाई की वजह से ये घर छोड़कर भाग गई थी या थी कोई और वजह, और ये घर छोड़कर कहाँ जा रही थी? आपके मन में ऐसे कई सवाल आ रहे होंगे, तो आपके सारे सवालों का जवाब लेकर मैं इस वीडियो को लेकर आई हूँ, वो भी बिल्कुल सच। आपके आज सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 9 सितंबर 2022 को उनके मम्मी पापा ने उन्हें डांट दिया था और वो घर छोड़कर चली गई थी। हमने उसको बहुत डांटा था, हमने चिल्लाया था उसको। कभी चिल्लाते नहीं हम उसको, कभी कुछ बोलते। डांटने की असली वजह क्या थी, इसको जानने से पहले आइए थोड़ा सा काव्या के बारे में जान लें, ताकि आप समझ सके कि आखिर वो घर छोड़कर क्यों गई थी। 30 मार्च 2003 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इनका जन्म हुआ। इस टाइम ये मात्र 15 साल की हैं और इनका रियल नेम है काव्या श्री यादव और घर में इन्हें प्यार से सब डीबू कहकर बुलाते हैं। काव्या ने मात्र 11 साल की उम्र में अपना यूट्यूब वीडियो बना दिया था, लेकिन यूट्यूब पर ना ही इनको व्यूज मिल रहा था ना ऑडियंस का प्यार, तो इन्होंने टिकटॉक पर टिकटॉक वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था। ओ मेरे राजा तू बड़ा अपनी तो स्टाइल यारा बस कर। टिकटॉक पर लोगों ने इनको बहुत ज्यादा पसंद किया। टिकटॉक पर इनका 1.8 मिलियन फॉलोअर्स था। जब टिकटॉक बैन हो गया तो टिकटॉक पर इन्होंने एक म्यूजिक वीडियो बनाया। म्यूजिक वीडियो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, उस पर आज लगभग 26 मिलियन व्यूज है। लोगों ने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया, तब से लोग बिंदास काव्या को देखने लगे। बिंदास काव्या पर ये अपने ब्लॉग्स डाला करती हैं और इनका एक गेमिंग चैनल है और ये इस टाइम क्लास 11th में है। पढ़ाई के साथ ये सब चीज़ें इस तरह से वो मैनेज कर पाती हैं कि उनके मम्मी पापा ने उन्हें शुरुआती दौर से बहुत ही ज़्यादा मदद की, चाहे उनके ब्लॉग्स बनाने में हो, चाहे उनके गेमिंग चैनल में हो, चाहे उनके टिकटॉक वीडियोस पे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम रील्स पे हो, हर जगह उनके मम्मी पापा ने उन्हें फुल सपोर्ट किया। काव्या के मम्मी पापा ने उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार और नाजो से पाला हुआ है, उन्हें वो कभी नहीं डांटते थे, क्योंकि वो बताते हैं कि काव्या बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, अपनी हर चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती हैं। लेकिन फिर क्या बात हो गई कि उन्होंने काव्या को ऐसे डांट दिया हो? काव्या धीरे धीरे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आलसी होने लगी थी, वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लापरवाही बरतने लगी थी और वो देर से भी उठा करती थी। अगले साल उनका 12th था, जिसकी वजह से उनके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे कि काव्या का 12th बहुत अच्छे से निकल जाए। एक तो ये कारण था, दूसरा कारण ये था कि काव्या की मम्मी के भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, जिसकी वजह से इनके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा परेशान थे और इन्हीं सब कारणों से इन्हें बहुत तेज़ी से डांट दिया था। पापा ने पढ़ाई के लिए डांटा था, इसलिए मैं गुस्से में घर से चली गई थी। तो पूरा घटनाक्रम यहाँ इटारसी कैसे पहुँचे और थोड़े फैमिली मतलब मैं हम हस्बैंड थोड़े परेशान थे, हॉस्पिटल के वजह से हम परेशान थे थोड़ा सा, तो हमने मतलब वो फ्रस्ट्रेशन में काव्या को डांटा कि जल्दी उठना चाहिए, पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ नहीं, मतलब ना जरा थोड़ा ज़्यादा डांट दिया था हमने, तो गुस्से में निकल के सीधे वो हमारे ना घर निकल के बड़ी मम्मी के पास हमारे उधर जा रही थी, गाँव जा रही थी। काव्या को कभी ये लोग डांटते नहीं थे, जिसकी वजह से काव्या बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई। काव्या के कोई भी ज़्यादा फ्रेंड भी नहीं है, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा को ही अपना फ्रेंड मानती हैं। जब उनके मम्मी पापा ने उन्हें डांटा तो बहुत ही ज़्यादा वो इमोशनल हो गई और वो घर छोड़कर चली गई अपने गाँव। ये बात बिल्कुल सच है कि काव्या अपने गाँव ही जा रही थी, क्योंकि पुलिस ने उन्हें इटारसी में पकड़ा और वो उनके गाँव का ही रास्ता था। हमारे GRP इटारसी की पुलिस ने मुस्तैदी से सर्च करते हुए कुशीनगर एक्सप्रेस को सर्च किया, तो चूंकि फोटो हमें मिल गया था, उस फोटो के माध्यम से बिटिया की पहचान हुई
और बिटिया को हम लोग सुरक्षित, क्या है बिटिया, सेलिब्रिटी है, यूट्यूबर है, बिटिया को सुरक्षित लाए। काव्या के घर छोड़ के जाने के लिए बहुत ज्यादा इंटरनेट पर फेक वीडियो बनी हुई है और उस पे उल्टे सीधे क्लेम लगाए जा रहे हैं काव्या पे। तो मैं आपको बता दूं कि काव्या पे लगने वाले वो सारे एलिगेशन झूठे हैं। काव्या के मम्मी पापा ने उन्हें पढ़ाई के लिए ही डांटा था, इसलिए वो घर छोड़कर अपने गांव जा रही थी, क्योंकि इससे पहले आप वो गांव गई थी वहां पर आपको इनके ब्लॉग्स मिल जाएंगे। और दूसरी बात, काव्या मात्र 15 साल की है, भले ही वो बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है लेकिन उम्र तो उनकी मात्र 15 ही साल है ना, और इस उम्र में बहुत ही ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं और इस उम्र में लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो जाते हैं। तो हो सकता है वो अपने मम्मी पापा से बहुत ही ज़्यादा अटैच हैं इसलिए इमोशनली हर्ट हो गई हूँ और वो ये कदम उठा ली हूँ, लेकिन वो जा तो अपने गांव ही रही थी ना, अपनी बड़ी मम्मी के पास। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और मैं बिंदास काव्या से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपके मम्मी पापा चाहे आपको जितना भी डांट दें, चाहे वो कोई भी वजह हो, लेकिन आप घर छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि एक माँ बाप का अगर बच्चा बीमार भी हो जाता है तो माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आप तो घर छोड़कर चली गई थी तो आपके मम्मी और पापा पर क्या बीती होगी, इस बात को जरूर सोचिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि ये मैसेज बिंदास काव्या तक पहुँचे तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। बाकी बिंदास काव्या अब मिल गई हैं और वो सही सलामत है और बहुत जल्दी YouTube पर वो दोबारा रेगुलर होंगी और उनके ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, ये वीडियो थी पूरी सच्ची कहानी बिंदास काव्या के मिसिंग होने की। मैं आशा करती हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है और हमारे चैनल को अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो क्या कर रहे हो। हम लोग ऐसे ही अमेजिंग और रियल वीडियोस लाते रहते हैं, तो ऐसी अमेजिंग और रियल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब। हमारी वीडियोस पहुंचे सबसे पहले आपके पास, उसके लिए बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ भी तो कदम तो चलना, चलना हो मेरे हरी।